हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लांट प्रोफेशनल पीपीपी। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो गुजरात बीओई एग्जाम 2021 में आया था और ये पेपर वन में आया था। गुजरात का जो बीओई एग्जाम है उसमें पेपर वन में न्यूमेरिकल रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही रहता है। तो चलिए आज इसका सोल्यूशन करके देखेंगे ये न्यूमेरिकल का कैसे सोल्यूशन करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का वीडियो लेकर आता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा बीओई एग्ज़ाम पास करने के लिए। एंड ऑल्सो मैं एनर्जी मैनेजर रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेट मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर बॉयलर ट्यूब एज पर आईवीआर। तो बॉयलर ट्यूब का एमओसी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है SA210 ग्रेड बी ट्यूब। उसका ओडी दिया हुआ है आउटसाइड डायमीटर 50 mm एंड वर्किंग प्रेशर 50 kg पर सेमी स्क्वायर। टेक एलोवेबल स्ट्रेस ऑफ मेटेरियल एज पर वर्किंग टेम्परेचर इज 1400 kgf पर सेमी स्क्वायर। एंड सी, दिस सी इज फॉर कोरोजन एलेवेंस 0.75 mm। ओके, तो आपको मिनिमम थिकनेस जो बॉयलर ट्यूब का होना चाहिए एज पर IBR वो निकालना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो डाटा गिवन, ये ट्यूब का ओडी 50 mm दिया हुआ है, ओडी 50 mm। जितना भी डाटा दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। वर्किंग प्रेशर 50 kg पर सेमी स्क्वायर। टेक एलोवेबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एज पर वर्किंग टेम्परेचर इज 1400 kg पर सेमी स्क्वायर। तो ये भी लिख लीजिए। तो ये जो एलोवेबल स्ट्रेस है इसको एफ से डिनोट करेंगे। सो एफ इक्वल टू 1400 kgf पर सेमी स्क्वायर। ओके, एंड सी, दिस इज कोरोजन एलेवेंस। तो सी दिया हुआ है 0.75, ठीक है, ये एक्चुअली mm है। एंड टी, थिकनेस, थिकनेस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मिनिमम थिकनेस यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, और एक टर्म है ई, इफिशियंसी फैक्टर। ओके, ये इक्वल टू 1 होगा फॉर सीमलेस पाइप, सीमलेस पाइप। तो ये इतना डाटा दिया हुआ है और जो इफिशियंसी फैक्टर है इक्वल टू 1, दिस इज एज पर IBR 1950 सेक्शन 350। तो ये रेगुलेशन के हिसाब से जो हम लोग फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इफिशियंसी फैक्टर सीमलेस पाइप के लिए 1 एज्यूम करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे आप ये दिस इज एज पर IBR 1950 सेक्शन 350 ये आपको लिखना है, ठीक है। तो एज पर दिस रेगुलेशन सेक्शन 350 मिनिमम थिकनेस निकालने का जो फॉर्मूला है उसको मैं राइट डाउन कर रहा हूं, ठीक है।
वर्किंग प्रेशर इक्वल टू 2 एफ ई टी माइनस सी बाय डी माइनस टी प्लस सी, ये इक्वेशन 91, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपका आउटसाइड डायमीटर ओडी दिया है तो, ठीक है, एज पर ओडी, तो ये फॉर्मूला पुट करके आपको यहां से ये टी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो ये काफी इजी भी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्किंग प्रेशर कितना है, डब्ल्यू पी 50, जितना भी डाटा गिवन था ये डाटा यहां पर पुट कीजिए, 2 इंटू एफ, एलेवल स्ट्रेस कितना है 1400, ई मतलब इफिशियंसी फैक्टर, वो एज्यूम किया था इक्वल टू 1 एज पर आईबीआर 1950 सेक्शन 350। सो इसको राइट डाउन कीजिए। उसके बाद जो टी है उसको निकालना है, सी इक्वल टू कॉरोशन अलाउंस 0.75, ओके, एंड दिस डी इक्वल टू ओडी, तो ओडी कितना है 50, एंड टी आपको निकालना है प्लस सी 0.75, ओके। तो चलिए अभी इसको कैलकुलेशन कर लेते तो 1.63 mm ये आंसर है, ठीक है, मिनिमम थिकनेस। सो मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर बॉयलर ट्यूब एज पर आईबीआर इज 1.63 mm, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आज के वीडियो में इतना ही, ये न्यूमेरिकल में इतना ही था और ये गुजरात बीओई में आया था और इससे पहले भी काफी सारा डिफरेंट स्टेट के जो बीओई एग्जाम है उसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और ये काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाया। और ये इसमें सिंपल एक फॉर्मूला है, वर्किंग प्रेशर इक्वल टू 2 एफ ई टी माइनस सी बाय डी माइनस टी प्लस सी एज पर ओडी, अगर आउटसाइड डायमीटर दिया रहेगा तो उसमें ये फॉर्मूला पुट करके एज पर आईबीआर 1950 सेक्शन 350 ये आपको लिखना है सॉल्व करने के टाइम पे। तो इसमें से आप लोग जो डाटा दिया हुआ है उसको सिंपल पुट करके टी इक्वल टू मिनिमम थिकनेस उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे टाइप का बीओई एग्जाम के पेपर सॉल्व के लिए। और मैं एनर्जी मैनेजर का भी काफी सारा वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, सो प्लीज अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.